अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब जीनी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपकी खिदमत में लेटेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट की जॉब्स। इस पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल लोगों का भी कोटा अलग से दिया गया है। बाकी की जो डिटेल है हम आगे चल के वीडियो में देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि हम शुरू कर लें अपनी वीडियो को। ठीक है जी, तो जॉब जो है आज की वो है हमारी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद के लिए। ठीक है जी, इसमें जो पहली पोजीशन अवेलेबल है डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर की है। पे स्केल इसका BPS 17 स्केल का है। नंबर ऑफ पोजीशन एक अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन में कम से कम आपके पास बैचलर या इसके इक्वेलेंट डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज वगैरह या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 21 से 30 साल है और कोटा जो है वो इस्लामाबाद का दिया गया है। अगली पोजीशन हमारे पास असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की है या स्टेनियोग्राफर की है। BPS 16 स्केल की 14 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है जी, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। एज लिमिट इस पर अप्लाई करने के 18 से 25 साल है, जिसमें इस्लामाबाद की 6 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 4 हैं, KPK की 2 हैं और सिंध की 2 सीटें रखी गई हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास असिस्टेंट हार्डवेयर और नेटवर्क इंजीनियर BPS 16 स्केल की एक पोजीशन अवेलेबल है। इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट इसमें 21 से 30 साल है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी इस्लामाबाद है। फोर्थ पे हमारे पास आइडेंटिटी सेक्शन इंचार्ज BPS 15 स्केल की एक पोजीशन अवेलेबल है। इसके लिए भी आपके पास IT या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई को डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 21 से 30 साल है और कोटा जो है ये इस्लामाबाद का दिया गया है। फिर जी फर्दर हमारे पास आ जाती हैं आर्काइव सेक्शन इंचार्ज की। BPS 15 स्केल की एक सीट अवेलेबल है। इसके लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की बैचलर या इसके इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कोटा जो है ये इस्लामाबाद का दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटेंट BPS 14 स्केल की एक सीट अवेलेबल है। इसके लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। प्रेफरेबल होगा अगर आपने BCom किया है, प्लस 3 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एज लिमिट इस पर अप्लाई करने के 18 से 25 साल है और कोटा ये इस्लामाबाद का दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेनियोटाइपिस्ट BPS 14 स्केल की एक सीट अवेलेबल है। ठीक है जी, इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल है और कोटा जो है ये सिंध का अवेलेबल है। नेक्स्ट स्कैनिंग टेक्नीशियन की है। BPS 14 स्केल की 2 सीटें अवेलेबल हैं। एज लिमिट 21 से 28 साल है और कोटा ये इस्लामाबाद का दिया गया है। 9th पे हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 स्केल की 39 सीट्स अवेलेबल है। इसके लिए आपके पास बैचलर या इसके इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, प्लस सिर्फ 1 साल का इसका रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रिक्वायर्ड। ऑलमोस्ट जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 28 साल है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी सीटें हैं जो इस्लामाबाद के लिए 12 हैं, KPK की 4 हैं, सिंध की 4 हैं, पंजाब की 4 हैं, बलूचिस्तान की 4 हैं, फाटा की 1 है और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ की 10 सीटें रखी गई हैं। एंड में हमारे पास LDC असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर की सीट अवेलेबल है। BPS 9 स्केल की 15 सीटें रखी गई हैं। इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए सेकेंड VN के साथ और टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी ज़रूरी है। एज लिमिट इस पर अप्लाई करने के 18 से 25 साल है और इसमें भी काफ़ी सारी सीटें जो इस्लामाबाद की 5 हैं, KPK की 4, सिंध की 4 और बलूचिस्तान की 2 सीटें रखी गई हैं। ठीक है जी, यहाँ आपको परसेंटेज में भी कोटा बताया गया है कि किसका कितना कोटा है। 50% इस्लामाबाद का है, फाटा का है, वुमेन का 10% है और डिसेबल पर्सन का 2% जो है वो रखा गया है। अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं जल्दी से। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ये जो IT वेबसाइट है ITSpark.org, इस पे जाके ऑनलाइन आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी है। यहाँ पे डेट बताई गई है कि 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, तो ये तकरीबन आपकी बनती है 10 अप्रैल 2023 से पहले पहले आपको लाजमी जाके
इस पे ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करना है। यहाँ से आप वेबसाइट नोट कर सकते हैं। कोई और आपका फर्दर क्वेरी हो, सवाल हो, तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप इस पे कॉल करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत सारी पोजीशंस अवेलेबल हैं। फ्रेश ग्रेजुएट तकरीबन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत कम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।